खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन, खरगोन नगर, कसावत, महेश्वर, बड़वाह, सनावत, गोगावा, भीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। दमोह कोतवाली अंतर्गत खजरी मोहल्ला में बीती रात छुरेबाजी के शिकार एक युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल से जबलपुर रेफर किए जाने के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। युवक पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी जहां अन्य वारदातें भी कर चुका है, वहीं इस घटना के पीछे छेड़खानी से रोकना बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्रिश्चियन कॉलोनी निवासी विक्की ईसाई के बेटे जय सिंह 18 वर्ष को रविवार रात पीठ में छुरा लगने पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसके दोस्त गणेश पटेल ने बताया कि खजूरी मोहल्ला में किराना दुकान के सामने प्रफुल्ल कश्यप नाम के युवक ने उसकी पीठ में 3 बार चाकू से हमला किया था। गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद जय सिंह को जिला अस्पताल से जबलपुर रेफर कर दिया गया था। इधर घायल युवक की बोलने की स्थिति नहीं होने पर उसके पिता विक्की ईसाई द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी बेटी के साथ प्रफुल्ल बर्मन रास्ते में रोककर जबरन बातचीत छेड़खानी करता था, जिसको लेकर उनका बेटा जय सिंह उसे ऐसा नहीं करने की समझाइश देने के लिए गया था। इसी पर से चाकू से उस पर प्राणघातक हमला किया गया। इधर गंभीर हालत में जबलपुर में भर्ती करवाए गए जय सिंह की रात करीब 1:30 बजे सांसें थम गई, जिसके बाद आज सोमवार को उसका शव दमोह पहुंचा, जहां पोस्टमार्टम उपरांत गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार की क्रियाएं संपन्न हुई। मामले में कोतवाली DI विजय सिंह राजपूत का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, वहीं उसके खिलाफ अन्य मामलों की शिकायत होने पर गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। बिल्कुल कश्यप ने मारी है वो रमेश सिंधी की दुकान के सामने खजरी मोहल्ले की गली में जय सिंह के लिए, और हमारा नाम है गन्नू पटेल। पीठ में चाकू घली है, 3 मारी थी, 3 में से 1 घली है और बाकी हम वो भर्ती हुए जो मेरे द्वारा तत्काल थाना कोतवाली से सब इंस्पेक्टर संतोष सिंह को रवाना किया और उनके द्वारा जाके देखा गया तो बोलने की स्थिति में नहीं था। जो उसके पिताजी की तरफ से उसमें FIR ली गई, जिसने बताया कि लड़के का नाम जय सिंह तथा विक्की उम्र 18 वर्ष निवासी क्रिश्चियन कॉलोनी का, ये इसकी सिस्टर के संबंध में कुछ विवाद था एक प्रफुल्ल वर्मन निवासी 14 क्वार्टर पुराने थाने के पास में, जो किल्लई नाका और 3 गुल्ली के बीच में ये प्रफुल्ल वर्मन वहाँ पे खड़ा हुआ था, जो घायल है जैसे ये वहाँ पे जाके उसने बात की होगी कि तुम मेरी सिस्टर से क्यों पर मतलब क्यों बात करते हो क्या। इस मैटर को लेके उसने उसको जो जैसे को चाकू उसके पीठ में मारा है, जो घायल होके वो अस्पताल में भर्ती हुआ, इसकी FIR ली गई। रात में करीब 1:30 बजे के समथिंग वहाँ से जिला जबलपुर से सूचना प्राप्त हुई कि जो पीठ था वो एक्सपायर हो गया, अभी कार्रवाई जारी है, जो भी विधिसम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, इसके द्वारा पहले भी कई चाकू वाली घटनाओं को अंजाम दिया गया है, एक बार तो इसने स्वतः वीडियो भी बनाया था एक घटना को अंजाम दी थी। हाँ, ये प्रफुल्ल वर्मन लिस्टेड है, जिसको थाना कोतवाली के द्वारा समय समय पर राउंड ओवर भी करवाया गया, जो थाने की गुंडा लिस्ट में भी है और इस पर पर्याप्त कार्रवाई की जा रही है, समय समय पर की गई है, जो अब निश्चित रूप से इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। Subscribe now to most exciting channel ever.